बांग्लादेश में अभी जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हुई थी। सामने आ रहा है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका खामियाजा प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारी पड़ गया। नौबत यहां तक आ गई कि उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया। प्रधानमंत्री हसीना का इस्तीफा, क्या है वजह? बांग्लादेश हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत। हसीना का प्लेन हिंडन से रवाना, लोकेशन का कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में हिंसा की आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब इस्तीफा दे दिया है और वह देश छोड़कर चली गई है, लेकिन अभी तक यह हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि रविवार को हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिनमें अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ दिनों पहले ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए। वहीं सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है और अगले 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा भी कर दी। राजधानी ढाका में दुकानों और बैंकों को बंद करने के आदेश दिए गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और स्मोक ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर भी पाबंदी लगा दी। वहीं अब खबर आ रही है कि शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन मंगलवार सुबह हिंडन एयरबेस से रवाना भी हो गया है। प्लेन कहां गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दरअसल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हसीना सोमवार 5 अगस्त को भारत पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे लंदन या ब्रिटेन जा सकती है। हसीना इसके बाद ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका ने बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट को लेकर पहली बार रिएक्शन भी दिया है। ढाका ट्रिब्यूशन के मुताबिक अमेरिका ने अंतरिम सरकार बनाने के निर्णय का स्वागत भी किया है। अमेरिका ने कहा है कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के मुताबिक ही होने चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने सभी पक्षों से हिंसा से बचने की भी अपील की है। हिंसा के बीच बांग्लादेश में शेरपुर जेल से सोमवार शाम 500 से ज्यादा कैदी भी फरार हो गए हैं। बांग्लादेश पोस्ट के मुताबिक हजारों लोगों की भीड़ ने हथियारों और लाठी डंडों से जेल पर हमला कर दिया। ये घटना शाम 4 से 5 बजे के बीच की हुई है। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि अब बांग्लादेश की सत्ता कौन संभालेगा, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
आरक्षण विरोधी आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने मंगलवार सुबह कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। गरीबी विरोधी अभियानों के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति मिला था। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए भी और 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। इस चीज को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्लेन मंगलवार को भारत के हिंडन एयरबेस से रवाना हो गया। हालांकि प्लेन कहां जा रहा है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।